हमा गणिसा, तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग जोधपुर सिटी से। कहाँ से कर रहे हैं हुकुम? क्या ये पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है। द सन सिटी ऑफ जोधपुर या द सन सिटी जोधपुर। अच्छा अच्छा, तो हम लोग आए हैं, हमारा एक इवेंट है कल का, तो उसके लिए तो बस स्टे कनेक्टेड विद अस, बने रहिएगा आज के ब्लॉग के साथ में। मिलते हैं आपको वेरी सून स्टेशन पे उतर के, है ना। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन। हेलो, जय माता दी के साथ, कैसे हो आप सब लोग? आज हम जा रहे हैं, एक इवेंट है जोधपुर में जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया, वहाँ पे थोड़ा सा लाउडली बोलो। हम पहुँच चुके जोधपुर रेलवे स्टेशन पे, और अभी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर भाई सा है, नंदिनी शेखावत भाई सा, वो आ रहे हैं, तो हम उनका वेट कर लेते हैं और उसके बाद मिलवाते हैं आप लोगों को उनसे। देखते हैं कैसा क्या रहता है हमारा इवेंट। वैसे तो ये थर्ड एक्सपीरियंस है हमारा, बाकी दो तो बहुत अच्छे थे। अब देखते हैं थर्ड वाला कैसा क्या रहता है। बरसात नहीं हुई है? अरे बना, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हो नहीं। हिसाब से ना हम लोग 4:30 पहुंच गए, 4:35 का टाइम है। हाँ, 4:35 का टाइमिंग था। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं और हुकुम तो नहा चुके हैं, हमारे अबे बना बस बिना नहाए बैठे हैं। अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे। मैं निकलूँगी मेकअप आर्टिस्ट के पास में और हुकुम अपना रेडी होएंगे। आए हैं पार्लर में, इनका पार इनके लिपअप होती करानी है। वैसे तो इनको जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टचअप, इनको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करो। सर्किट हाउस के पास में ही हम निकल चुके हैं वेन्यू के लिए, और वहाँ जाके देखते हैं कैसा क्या माहौल है। हम दोनों वहाँ गए, सब कैसा लग रहा है? Yeah.
किसी भी शुभ कार्यक्रम का आगाज जो है हमारे ईश परमात्मा की परमिशन के बिना नहीं होता है। तो एक बार गणपति बापा का नाम लेते हैं, एक बार जोरदार बोलेगी गणपति बापा, आवाज नहीं आई गणपति बापा, स्टिल आवाज नहीं आई गणपति बापा, गणपति बापा नहीं आए क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। पावर अपने हस्बैंड का फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए बोलना है गणपति बप्पा। ओके सो हमारे बीच में हमारे एक और गेस्ट पधार चुके हैं मुमर और नीतू, नीतू भाई साहब जो कि यूट्यूब ब्लॉगर, एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं अपने पति की बहुत प्यारी, वो तो डांस भी अच्छा है। मैं मेरे पति की सबसे प्यारी वाली पत्नी हूँ, मतलब मेरे पति की तीन चार और साइड में बट वो बताते रहेंगे। ठीक है तो इनका टैलेंट तो सबसे अलग ही था। नेक्स्ट डीजे कर भी हाँ म्यूजिक प्लीज। मेरे हस्बैंड कहते हैं जो चाहे जो मन करो छो जो करो, कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकते। क्या बात है, मजबूत ताली बजाओगे, चुगली करनी भाई, तारीफ नहीं करनी है ना, चुगली ही करोगे तुम। हैप्पीनेस लाइफ विद अस, सो हमेशा खुश रहती हूं, हमेशा स्माइल करती हूं चाहे कंडीशन जो भी हो। नाइस, या तो अपनी तारीफ करो या अपने पति की बुराई करो, ठीक है दोनों में से एक चीज रहेगी ना, या तो अपनी तारीफ करो या अपने पति की बुराई करो ना। ओके नेक्स्ट, मेरा और मेरा पति का 36 काम कड़ा है। हमारे साथ 65 साल है उम्र, नाचना गाना खाना खेलना घूमना बहुत पसंद है। अपनी तारीफ ही करूँगी, मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और आप जैसी लेडीज के बीच में जाना तो मुझे और ही बहुत अच्छा लगता है, उसमें मैं पीछे नहीं रहती। और मैं यूट्यूब देखती हूँ, उमर भाई साहब तो मेरे फेवरेट ही है। थैंक यू। और मैं बहुत खुश हुई थी जब नीलम जी ने मुझे बोला था कि गेस्ट आ रहा है, तो मैंने बोला मेरा तो फर्स्ट नाम आप लिख ही दे।
सा गाना याद आता है, एक गा के बता दीजिए। जद देखूं बनारी लाल थोड़ा सा तो गाओ, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। अरे बहुत अच्छी है, प्लीज आप ये कॉपरेट करेंगे आपको, प्लीज एक बार प्लीज प्लीज। जद देखूं बनारी लाल
ओके तो एक बार जोरदार तालियों के साथ लिखो सबको मजा आया फाइनली हम लोग पहुंच गए वापस से होटल में परेशान हो गए मतलब वैसे परेशान नहीं हुए वैसे इवेंट में तो खूब मज़ा आया बट ड्रेसअप में थोड़ा सा हो गए अभी थोड़ा बहुत शूट करना है और उसके बाद में और हमारे रूम की कंडीशन दिखाते हैं आपको लाइट ऑन करना ये देखो हमारा रूम पूरा बिखरा पड़ा है ओह माय गॉड जल्दी जल्दी में रेडी होके गए थे ऐसे ऑन करो गर्मी लग रही है ये देखो पूरा रूम बिखरा पड़ा है इधर चलो आपको होम वो रूम टूर दिया वो भी ऐसा अब देख लो इसको सेट करके और बाद में वापस से देंगे पहले कुछ शूट वगैरह कर लेते हैं अपने